नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना बीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला नैनपुर से। रास्ते हुई डिलीवरी, मां ने बच्चे को जंगल में दफनाया। आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें मां ने डिलीवरी के बाद मृत पैदा हुए बच्चे को अपने हाथों से जंगल में गाड़ दिया। यह घटना एक आदिवासी समाज की एक महिला, जिसका नाम सुदीपा विके प्रति प्रमोद विश्वकर्मा है, जो कि अपने पति के साथ नागपुर में काम करती है। उसके बताए अनुसार पति ने उसे नागपुर से नैनपुर जाने के लिए बस में एक बच्चे के साथ बिठा दिया। सिवनी के आगे उस महिला के बताए अनुसार प्रसव पीड़ा हुई, जिस कारण बस को बीच जंगल में रुकवा कर वह उतर गई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर दुर्भाग्य की बेटी मृत पैदा हुई, जिसे उसने अपने हाथों से जमीन में गाड़ दिया। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर से बस में बैठकर नैनपुर आ गई और बस स्टैंड में लगभग 2 घंटे बैठी रही। लोगों के द्वारा पूछने पर उसने सारी घटना बताई और अस्पताल जाने से इनकार किया। पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर वर्षा चावला मैडम के द्वारा भर्ती कर इलाज किया गया, जहां वह अब स्वस्थ है। इस पूरी घटना की सच्चाई उसके पति के आने के बाद ही सामने आएगी। पुलिस जांच कर रही। इस घटना ने मां की ममता को तार तार कर दिया और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों किया उसने, सभी सुविधा होने के बाद भी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंडला नैनपुर से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उस पर जांच एएसआई पटले द्वारा की गई। महिला ने बताया कि नागपुर में वो अपने पति के साथ मजदूरी करती थी। मजदूरी करने के दौरान उसको डिलीवरी पीरियड था, जो यहाँ डिलीवरी कराने अपने गांव मायके में आ रही थी, बंधा गांव में। रास्ते में उसके पेट में तकलीफ हुई तो शिवनी के पास सुनसान जगह में उसने बस रुकवाया, वहाँ उतरी, वहाँ पर उसको डिलीवरी हुई। लड़का जन्म लेके ख़त्म हो गया। अब क्योंकि वो अकेली महिला थी तो उसका कहना है कि हमने वहीं पर गड्ढा खोद के उसको दफनाया, दफना के यहाँ आई, सीरियस कंडीशन में थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।